तो आज के लेक्चर में हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो बोल रहा है, नेम द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल ऑफ मॉडर्न एटॉमिक सिंबल फॉर द फर्स्ट टाइम। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले एटॉमिक सिंबल को इंट्रोड्यूस किया था, तो लवासियो लवासियो थे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, तो एफ। एटम आर रिप्रेजेंट बाय सिंबल। जो एटम होते हैं वह सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनका एक प्रतीक होता है। हाउ आर द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट। मॉलिक्यूल किसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो मॉलिक्यूल आपके कोई भी मॉलिक्यूल आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कोई भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। चौथा क्वेश्चन, एटम द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एटम 12 इन एटॉमिक मास यूनिट। एक्सप्रेस द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इन एटॉमिक मास यूनिट। यानी कार्बन जो 12 है, कार्बन जो आपका एलिमेंट कार्बन है, इसका जो आइसोटोप आपका 12 वाला आइसोटोप होता है, इसके एक एटम का मुझे क्या बताना है, मास बताना है, वो भी किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में, AMU में। तो हम जानते हैं कि कार्बन 12 जो है इसका जो एक एटम होता है, इसका जो मास होता है वह कितना होता है, 12 AMU। अगर आप क्या करते हो, ठीक है, कितना होता है, 12 AMU होता है। तो एक्सप्रेस द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इन एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसका होगा आंसर आपका 12 AMU, है ना। अब फिर आगे को बोल रहा है आपका, नेम द फार्मूला विच गिव सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। उस फार्मूले का नाम लिखिए जो क्या बताता है आपका, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर जो वेरियस एलिमेंट होते हैं, जो आपस में उनके उन वेरियस एलिमेंट के जो एटम होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं बाई बाय बॉन्ड, उन एटम का रेशियो जो फार्मूला बताया उसका नाम बताइए। तो आपका पता है केमिकल फार्मूला 3 टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला बताता है कि किसी कंपाउंड में जो वेरियस एलिमेंट है उनके एटम का रेशियो क्या है। इसका आंसर होगा आपका इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है, राइट द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और डायमंड का आपको क्या लिखना है, इम्पेरिकल फार्मूला। तो आपका डायमंड का इम्पेरिकल फार्मूला अगर आप देखोगे तो आपका डायमंड का इम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, क्योंकि आपका जो डायमंड होता है वह डायमंड जो आपका होता है वह केवल और केवल कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, और इसी तरीके से ग्रेफाइट भी आपका केवल और केवल कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। दोनों ही, चाहे ग्रेफाइट हो चाहे डायमंड, दोनों ही केवल और केवल कार्बन एटम से मिलकर बने होते हैं। बस अंतर ये होता है कि इनमें, डायमंड में जो कार्बन एटम का अरेंजमेंट होता है वह एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करता है, और ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम अरेंज होते हैं वो एक अदर टाइप से आपके पैटर्न को फॉलो करते हैं। दोनों का आपका इम्पेरिकल फार्मूला की बात होगी, तो दोनों के लिए जो इम्पेरिकल फार्मूला होगा वह होगा सी।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट ऑफ मोलर मास? मोलर मास का यूनिट क्या होता है? तो मोलर मास का यूनिट होता है आपका ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास, मोलर मास मतलब किसी सबस्टांस के एक, किसी मॉलिक्यूल के एक मोल का जो मास होता है, किसी मॉलिक्यूल के एक मोल का मास होता है उसे हम बोलते हैं मोलर मास। तो मोलर मास आपका किस यूनिट में मेजर किया जाता है? तो ग्राम पर मोल। अच्छा, आगे फिर क्या बोल रहा है? नौवां, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसियस सबस्टांस अंडर एनटीपी? किसी गैसियस सबस्टांस का वॉल्यूम कितना होता है एट एनटीपी? एट एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो किसी भी गैसियस सबस्टांस का जो वॉल्यूम होता है एट एनटीपी वह होता है 22.4 लीटर। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। हाउ मच वुड वन एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम वेट? इसका मतलब बोला कि आपका क्या लिखना है, एवोगाड्रो नंबर जो होता है उसकी वैल्यू लिखनी है। एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 × 10²³। और कह रहा है कि अगर आपका कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 जो है आपका, इसके एक एवोगाड्रो नंबर, इसका एक एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.022 × 10²³ कार्बन एटम, इसका मास कितना होगा? तो इसका मास होता है 12 ग्राम, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, आप ये जो अगर आप इतना एटम लोगे कार्बन एटम का, तो इसका मतलब हुआ कार्बन जो एटम है इसके एक मोल का जो मास होगा वो कितना होगा? 12 ग्राम। फिर बोला, हाउ मच वॉल्यूम एट एनटीपी वुड एन एवोगाड्रो नंबर ऑन पार्टिकल ऑफ ए गैसियस सबस्टांस ऑक्युपाई? यार हाउ मेनी वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आपका एक एवोगाड्रो नंबर में अगर पार्टिकल हो गैसियस सबस्टांस के, तो कितना आपका वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं? तो हम जानते हैं कि एवोगाड्रो नंबर मतलब आपका एक एवोगाड्रो का नंबर का मतलब होगा आपका 6.022 × 10²³। यही क्या होता है आपका 1 मोल होता है, 1 मोल पार्टिकल। तो 1 मोल पार्टिकल अगर आपके हैं तो कितना स्पेस घेरेंगे? तो आपका 22.4 लीटर एट एनटीपी। फिर कह रहा है, आइडेंटिफाई द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन ए कंपाउंड आर कॉल्ड पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस। इस कंपाउंड में चूंकि डबल साल्ट है और इस कंपाउंड में आपके पोटेशियम कैटायन के रूप में पोटेशियम आयन और एल्युमिनियम आयन और एनायन के रूप में आपके सल्फेट आयन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे हम अगर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर डाल्टन सिंबल आर नॉट यूज इन दी केमिस्ट्री? डाल्टन सिंबल का यूज क्यों नहीं किया जाता है केमिस्ट्री में? क्योंकि डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन ने किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल उन्होंने बताया था, किस तरीके से बताया था, जैसे उन्होंने कहा कि तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा था कि वाई आर डाल्टन सिंबल आर नॉट यूज इन केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में जो डाल्टन ने एटॉमिक सिंबल के लिए साइन दिया था उसको हम लोग केमिस्ट्री में यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि जो डाल्टन ने क्या कहा था कि डाल्टन ने कहा था कि जो एलिमेंट के एटम होते हैं उनको हम लोग एक स्फीयर बनाएंगे और इसमें हम कुछ मार्किंग करेंगे। जैसे मान लो कि आपका सपोज दैट आपको क्या रिप्रेजेंट करना हो, अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो कार्बन, ठीक है, तो कार्बन को उन्होंने क्या किया था, एक स्फीयर बनाया था और इसमें को रंगीन कर दिया था, ठीक है। हालांकि देखो एलिमेंट के सिंबल के लिए, एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इस तरीके से सिंबल का रिप्रेजेंट किया था, जैसे हाइड्रोजन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था एक सर्कल से। मुझे उन्होंने क्या किया था, हर एक एलिमेंट के जो एटम थे ना, जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम थे उनको एक स्पेयर के रूप में बना करके वहां पे कुछ बीच में लगा दिया था। तो इससे कुछ ज्यादा खास जानकारी नहीं मिलता है,
इसीलिए हम लोग उसे केमिस्ट्री में यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया था कि मॉडर्न एटॉमिक सिंबल को सबसे फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने बता दिया था लेवासियो। लेवासियो नहीं थे, कौन था आपका, बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने सबसे पहले आपका मॉडर्न मॉडर्न एटॉमिक सिंबल का यूज किया था एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, डिफाइन द टर्म सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का किसी एलिमेंट के सिंबल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप जब किसी भी कोई भी एलिमेंट आपका, जैसे मान लो आपका नेट्रियम हो, जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम का लैटिन में जो नाम होगा, क्या नाम होता है सोडियम का, नेट्रियम, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो नाम आपका ग्रीक भाषा में है, ग्रीक लैंग्वेज में है, उसके नाम के लिए हम लोग एक एब्रिविएशन यूज करते हैं, एक शॉर्टकट टर्म रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं। जैसे आपका सोडियम हो गया, तो सोडियम का लैटिन में नाम है नेट्रियम, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे, तो हम लोग फर्स्ट लेटर लेंगे, उसके बाद में हम लोग सेकेंड लेटर, आपका आप चाहे बी से ले सकते हो, चाहे पांच वाला ले सकते हो, चाहे उसके जस्ट बाद वाला ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, आपका फर्स्ट लेटर लेते हैं, उसके बाद उसके जस्ट बाद वाला लेटर ले लेते हैं अल्फाबेट। तो हमारा सोडियम का जो एटॉमिक सिंबल बनता है वह क्या बनता है, Na। तो हम लोग किस तरीके से किसी एलिमेंट के सिंबल को डिफाइन करेंगे, तो दी शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन, दी एब्रिविएशन या शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन दी नेम ऑफ ए एलिमेंट इन ग्रीक लैंग्वेज आर कॉल्ड द सिंबल ऑफ एलिमेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन द टर्म मोल। मोल क्या होता है, व्हाट इज नोटेशन ऑफ द मोल यूनिट। तो मोल क्या होता है, तो मोल मोल ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम और उसके उसमें प्रेजेंट मैटर यानी वेट को भी क्या करता है, बता देता है। और मोल का यूनिट क्या होता है, तो मोल का यूनिट आपका एक यूनिटलेस होता है, यानी इसका कोई आपका यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस है ना। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द टर्म मोलर मास। मोलर मास से मतलब क्या समझते हैं, तो मोलर मास से हम ये समझते हैं किसी भी एक मोल किसी एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। अगला क्वेश्चन, हाउ इज द मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड इज कैलकुलेटेड। किसी कंपाउंड का मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उस कंपाउंड में प्रेजेंट जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके, किसी भी कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है उनके मास का हम सम कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, कंपाउंड का मास मिल जाएगा। सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर देयर इन वन मोल ऑफ कंपाउंड। एक मोल कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो एक मोल का मतलब हुआ 6.022 × 10²23 आपके, इसका मतलब 23 पार्टिकल। अब पार्टिकल की जगह पे यहाँ पे क्या दिया गया, मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब हुआ कि एक मोल मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ, किसी कंपाउंड का एक मोल का मतलब ये हुआ कि उस कंपाउंड में आपके कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो 6.022 × 10²23। किसी सबस्टांस का एक मोल वह क्वांटिटी है जो उस सबस्टांस में प्रजेंट 6.022 × 10²23 पार्टिकल प्रजेंट होते हैं। और इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एक मोल से आप क्या समझते हैं, यहाँ बोल रहा हाउ नहीं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल यहाँ पे, हाँ हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर देयर इन वन मोल ऑफ ए कंपाउंड। एक मोल कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो एक मोल में आपके 6.022 × 10²23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। एक मोल किसी सबस्टांस का वह क्वांटिटी है जो उस सबस्टांस में प्रेजेंट 6.022 × 10²23 पार्टिकल को बताता है। विल वन मोल ऑफ कैल्शियम वेट द सेम एज वन मोल ऑफ कार्बन। कार्बन एक मोल कैल्शियम का जो वेट होता है, क्या यह एक मोल कैल्शियम का वेट और एक मोल आपका कार्बन का वेट दोनों इक्वल होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि
क्योंकि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वह अलग होता है और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वह क्या होता है, अलग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे एटॉमिसिटी से क्या समझते हैं, किसी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी से क्या समझते हैं, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस मॉलिक्यूल अंडर द नॉर्मल कंडीशन। एटॉमिसिटी से हम ये समझते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। और सल्फर की एटॉमिसिटी क्या होती है, चूंकि सल्फर का जो आपका मॉलिक्यूल होता है वह S8 होता है, यानी इसकी एटॉमिसिटी 8 होगा क्योंकि इसमें 8 सल्फर एटम प्रेजेंट होंगे। ऐसे फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है P4 होता है, इसका मतलब हुआ कि फास्फोरस की जो एटॉमिसिटी होगी वह क्या होगी, 4 होगी। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, कैलकुलेट द मोलर एंड मॉलिकुलर एंड मोलर मास ऑफ फॉलोइंग। इसका मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मॉलिकुलर मास और मोलर मास। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आप हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अगर सोडियम का देखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसके एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसे हम बोलेंगे मॉलिकुलर मास। तो इसका मॉलिकुलर मास होगा आपका, क्योंकि सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप करोगे तो 40 आएगा। 40 क्या, 40 अगर आप मॉलिकुलर मास की बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसका मॉलिकुलर मास होगा 40 AMU। और इसका अगर मोलर मास निकालोगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका जो मोलर मास होगा वह क्या होगा, 40 आपका AMU की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। ये है आपका मोलर मास और ये है आपका एटॉमिक मास, है ना। फिर क्या रहा है कि व्हाट इज दी एटॉमिक मास यूनिट, एक व्हाट एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है इसको डिफाइन करना। फिर कह रहा है, इज एटॉमिक मास यूनिट इज ए प्रैक्टिकल यूनिट, डिस्क्राइब ए प्रैक्टिकल यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ ए केमिकल सबस्टांस। ठीक है, कह रहा है एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है आपका, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, जो कार्बन 12 है, ठीक है, कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है, द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, दी 1/12 मास, दी 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड 1 AMU। यानी कार्बन 12 जो है आपका, इसका जो एक एटम है, इसका जो एक एटम का जो मास है उसका 1/12 जो हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 AMU। ठीक है, और फिर आगे क्या था आपका, इट इज एटॉमिक मास यूनिट इज ए प्रैक्टिकल यूनिट। तो जी इसका जो आपका क्या, ये जो मास एटॉमिक मास यूनिट है क्या ये प्रैक्टिकल यूनिट है, किसी भी एटॉमिक किसी भी आपका किसी भी एटम का जो मास निकाला जाता है वह क्या निकाला जाता है, इसी आपका कार्बन 12 को बेसिस मान करके उसका एटॉमिक मास निकाला जाता है। इसीलिए आपका जो ए एटॉमिक मास यूनिट है ये आपका एक प्रैक्टिकल यूनिट है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म मॉलिक्यूल मॉलिकुलर मास, हाउ डज मॉलिक्यूलर मास डिफर फ्रॉम द मोलर मास। ये तो हम डिफाइन कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास और मोलर मास का मतलब एक मोल मॉलिक्यूल का मास, है ना। और फिर कह रहा है डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, ये भी हम डिफाइन कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, उस कंपाउंड में प्रोजेक्ट जो आपके डिफरेंट एलिमेंट के एटम है उनका रियल नंबर ऑफ एटम बताता है। इंपेरिकल फार्मूला बताता है कि किसी कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके एटम का रेशियो क्या है। तो कह रहा है आपका 25वां क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर देयर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर।
10 ग्राम वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो 10 ग्राम जो 10 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ 10 ग्राम वाटर में कितने आपके नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ये अगर आप सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट है आपका 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है आपका 18। ठीक है, तो इसका आएगा आपका कितनी वैल्यू, फाइव सिक्स। ठीक है, इतना आपका आएगा मोल। सबसे पहले हमने निकाल लिया कि 10 ग्राम वाटर में, 10 ग्राम वाटर में आपके कितने वाटर के, कितने मोल वाटर के मॉलिक्यूल है, तो हमारा निकल के आया 0.56। और इसमें हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आ जाएगा कि इस 10 ग्राम वाटर में कितने आपके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर के। फिर अगला क्वेश्चन बोला 26, द फार्मूला ऑफ कैल्शियम पायरो फास्फेट इज इतना, राइट द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम पायरो फास्फेट। अच्छा, अगर आपको पता है, देखो कैल्शियम पायरो फास्फेट का फार्मूला दिया गया है, कैल्शियम पायरो फास्फेट का फार्मूला क्या दिया गया है, Ca2P2O7। ठीक है, इस फार्मूले से मुझे पता चल रहा है कि ये, इस फार्मूले से मुझे पता चल रहा है कि अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो चूंकि 2 कैल्शियम है आपके, 2 कैल्शियम एटम है, तो आपके जब इसे ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम आयन मिलेगा। एक कैल्शियम आपका, ये जो कैल्शियम है पॉजिटिव चार्ज के रूप में है, और ये आपका फास्फेट आपका निगेटिव चार्ज के रूप में है। अब इसे जब ब्रेक करोगे तो आपको 2 कैल्शियम प्रेजेंट के एटम, तो 2 कैल्शियम आपको मिलेंगे, 2 कैल्शियम। एक कैल्शियम पे हम जानते हैं कि 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपका जो P2O7 होगा जो एनायन के रूप में होगा, इस पे कितना चार्ज होना चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज कितना, टोटल पॉजिटिव चार्ज 4 है, एक कैल्शियम पे तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 कैल्शियम पे कितना होगा, 4 पॉजिटिव चार्ज ना, यहाँ पे 4 निगेटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि आपका जो होल मॉलिक्यूल हो वह क्या हो, उस पर कोई भी चार्ज, नेट चार्ज ना हो। इसका मतलब मुझे इस पता चल गया कि भाई P2O5 यानी आपका जो पायरोफास्फेट आयन है, इस पे आप, इसकी वजह आपका कितना चार्ज होता है, 4 निगेटिव चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पायरोफास्फेट P2O7, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और आपका पायरोफास्फेट आयन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है आपकी, 4 होती है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, Al4P2O7 का होल थ्राइस, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर मॉलिकुलर फार्मूला आप कैल्शियम पायरोफास्फेट। ठीक है, रहा नेम द आयन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट द केमिकल फार्मूला। सोडियम ऑक्साइड में, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में AlCl3, सोडियम सल्फाइड में Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसमें कौन कौन से आपके आयन प्रेजेंट हैं, तो आपके सोडियम आयन, ऑक्साइड आयन, इसमें आपके एल्यूमिनियम आयन, क्लोराइड आयन, इसमें सोडियम आयन, आपका सल्फाइड आयन, और इसमें आपका मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, बाकी ये आपका जो लॉन्ग आंसर है, ये लॉन्ग आंसर आपका क्या होगा, इसको, ये तो थ्योरी बेस है, इसको तो पूरा लिखना पड़ेगा A to Z, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप अपने चैप्टर वाले से, जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन था वहां से आप लिखने वाली चीजें, सारी चीजें है ना। तो आज के डेट में हमने क्या किया, पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, देखते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।